Hi friends, and I hope you are all well and happy Janmashtami to everyone who are watching this video. तो इस वीडियो में देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ. इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो पीडीएफ फाइल्स होती हैं उस पीडीएफ फाइल्स के अंदर अगर आपको कोई डेटा सर्च करना है तो आप कैसे सर्च करेंगे. क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि कई बार हमारे पास जो पीडीएफ फाइल्स है वो बहुत लंबी लंबी आ जाती हैं. अगर एक दो पेज की है तो फिर सर्च करना तो आसान होता है, लेकिन अगर वो पीडीएफ फाइल्स अगर 100 पेज की हो, 200 पेज की हो, तो आप कैसे सर्च करेंगे. या तो आप वन बाय वन डेटा आइटम्स को देखते चलें और उसमें आप सर्च करें. तो ये हम देखते हैं कि कैसे सर्च करेंगे आप, उसका एक आसान तरीका है. तो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं ये. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पीडीएफ फाइल है, तो इस पीडीएफ फाइल को मैंने ओपन कर लिया है. ये आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पर एक बहुत लंबी जोड़ी पीडीएफ फाइल खुल गई है, 66 पेज की पीडीएफ फाइल है, 66 पेजेस की. अब देखिए जो आपका ऐप है, जिस ऐप के थ्रू आप ये पीडीएफ रीड कर रहे हो, बेसिकली एडोबी का एक प्रोडक्ट होगा, वो आपके पास एक्रोबैट रीडर होगा. और अगर कोई भी होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर हर जगह हर ऐप के अंदर आपको फीचर्स मिलेंगे. अब देखिए टॉप में आपको एक लेंस टाइप का ही दिखाई दे रहा है, तो इस लेंस में आप क्लिक करेंगे. इस लेंस में क्लिक करने के बाद आपको फाइंड ऑप्शन दिखाई देगा. इस फाइंड में आप जो भी डेटा आइटम आप सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सर्च करना चाहते हैं श्रीनगर, तो हमने यहाँ पर श्रीनगर टाइप कर दिया ये. ठीक है, श्रीनगर जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पर इसने देखिए श्रीनगर दिखा, जीपीएस नगर पालिका श्रीनगर यहाँ पर दिख गया आपको. तो यहाँ पर तीन आइटम श्रीनगर नाम के हैं. एक यहाँ पर वन ऑफ थ्री लिखा हुआ है, तो वन ये हो गया जिसमें ऑरेंज हो रखा है, फिर दूसरा वाला है ये, और तीसरा वाला एक और होगा. गई देखिए जीआईसी श्रीनगर गढ़वाल, इसका मतलब तीन आइटम श्रीनगर नाम के हैं. तो आपको वन बाय वन कोई देखने की जरूरत नहीं है. आप क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपके फाइंड बटन, फाइंड जो ऑप्शन है यहाँ पर आप टाइप करते हैं उस चीज को और वो आइटम आपको दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिखा भाई श्रीकोट. अब देखिए श्रीकोट खंडा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो 12 आइटम्स हैं, 12 आइटम्स इस फाइल में ऐसे हैं जो श्रीकोट नाम से हैं. अब देखिए श्रीकोट गंगानाली आ गया, ऐसे ये आते रहेंगे. कुछ भी चीज़ अगर आपको सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल हमको सर्च करना है आशा, तो हमने आशा देवी सर्च कर लिया. ये देखिए 44 आइटम्स हैं इसमें जो कि आशा नाम के हैं. तो आप वन बाय वन चेक करते रहेंगे तो आपको जो भी चाहिए होगा वो आपको अपना नाम मिल सकता है, अपने बच्चे का नाम मिल सकता है, मतलब जो भी आप इस पीडीएफ फाइल के अंदर सर्च करना चाह रहे हैं वो डेटा आप इजीली सर्च कर सकते हैं. अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनका आंसर दूंगा. थैंक यू सो मच, और होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो.